यूँ तो हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा खिलखिलाता रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, मगर छोटे बच्चे रोए ना, ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। और सही मानिए तो छोटे बच्चों का रोना ज़रूरी भी है उनकी लंग्स की फंक्शनैलिटी के लिए, लेकिन कई बार वो इतना ज़्यादा रोने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते कि किस तरीके से बच्चे को चुप कराया जाए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे मल्टीपल तरीके कि क्या वो रीजंस रहते हैं कि बच्चा जब रोता है तो क्यों वो रो रहा है, और अगर वो हम उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों रो रहा है, उसका क्या सलूशन हम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दें। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से बच्चा रोता है वो है भूख, क्योंकि छोटे बच्चे का जो पेट होता है, जो टमी होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। वो एक बार शुशु कर दे, पॉटी कर दे, उसी में ही उसको फिर से भूख लग जाती है। तो जब भी बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप उसे फीड कराएं। अगर उसको भूख लगी होगी तो वो तुरंत फीड लेगा और चुप हो जाएगा। दूसरा रीज़न छोटे बच्चे का रोने का होता है कि अगर उसका जो डायपर है, ये जो उसने नैपी डाला हुआ है, वो अगर गीला हो गया है, उस पर शुशु हो गया है या डायपर में पॉटी हो गई है, तो भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा और अजीब ढंग से रोने लग जाता है। तो अगर बच्चा फीड वाला इशू नहीं है और फिर भी बच्चा रो रहा है तो आपको उसका डायपर चेक करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे का टमी फुल है, उसका डायपर क्लीन है, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि बच्चे को गैस हो गई है। अगर बच्चे को गैस हो गई है तो आपको उसके टमी को मसाज देनी है। मसाज की हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो गैस वाले केस में आपको बच्चे को एक अच्छी सी मसाज देनी है, जिसके बाद बच्चा डेफिनेटली रिलीव फील करेगा। अगर मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी हो रही है, तो आपको बच्चों की जो कपड़ों की लेयर्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे ने ज़्यादा लेयरिंग वाले कपड़े तो नहीं डाले हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स तो नहीं डाली हुई हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, कई बार एक्स्ट्रा लेयर होने से, या फिर बच्चे को अगर ठंड लग रही है, गर्मी से सर्दी का मौसम बदल रहा है और आपने बच्चे को ठीक से लेयर अप नहीं करा है, तो ये जो दोनों रीजंस हैं, इन वजह से भी बच्चों को जो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए अगर जो हमने पहले मेंशन करे तीन रीजंस, उसमें से कोई रीज़न नहीं है, तो आपको बच्चों की जो क्लोदिंग है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब रीज़न जान लेने के बाद भी कई बार आप नोटिस करेंगे कि बच्चा थोड़ा सा छिड़छिड़ा हो रहा है, रो रहा है कॉन्टिन्यूसली, सोने की कोशिश कर रहा है बट सोया नहीं जा रहा है, उससे वो रो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को सूथ करने की ज़रूरत है, बच्चे को थोड़ा सा शांत, थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप एक सॉफ्ट म्यूज़िक चला लीजिए, उसको झूला दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर कपड़े का झूला बनाया है घर पर ही, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप उसमें बच्चे को झुलाइए थोड़ा थोड़ा और सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला दीजिए या फिर लोरी सुना दीजिए, बच्चा एकदम शांति से सो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये झूला कैसे बनाया, जो कपड़े का झूला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कॉटन का झूला बनाया था मैंने ये घर पर ही, तो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से बेबी को इसमें लिटाया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको एक न्यू वीडियो शेयर करूंगी जिसमें कि इस झूले को बनाने का तरीका मेंशन रहेगा। आशा करती हूं कि हमारी ये वीडियो आपके काम आई होगी, आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको और भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपके सर्कल में जिसके भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी बच्चों से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं।